आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, हिंदी की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आम से अंगूर। बच्चों, क्या आप जानते हैं ना अंगूर क्या है? अंगूर एक बहुत ही सुंदर वाला फल है जो कि गुच्छे में पाया जाता है और अंगूर को हम इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आम से अंगूर, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। मेरे पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स है। हमने पढ़ा था अ से अनार या अ से अदरक, अ से अचकन और अ से अमरूद। उसी प्रकार आ से आम, आ से आलू और आ से आसमान, है ना? और फिर उसके बाद इसे इमली, छोटी इसे इमली, इसे इमरती और इसे इलायची, और बड़ी इसे ईंट, बड़ी इसे ईद और बड़ी इसे ईख भी होता है, है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उपहार और उसे उस्तरा भी होता है। फिर है उसे ऊन, उसे ऊपर और उसे उदबिलाव भी। उसी प्रकार हमने फिर से क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा रिसे ऋषि। रिसे ऋषि है बहुत महान, करते सदा प्रभु का ध्यान। उसके बाद है ऐसे एड़ी, ऐसे एक और ऐसे एक तारा, है ना बच्चों? फिर मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे ऐनक, ऐनक यानी कि चश्मा, और ऐसे ऐरावत। उसके बाद है ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस और ओ से ओठ भी होता है ना? फिर हमने पढ़ा था ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औषधि, है ना? अम से अंगूर, और आने वाली हम क्लास में पढ़ेंगे आहा। अम से अंगूर आहा, अम आहा। क्या बच्चों आपको पता है स्वर अ से लेकर औ औरत तक ये सारे स्वर हैं और ये जो दो अक्षर हैं अंतिम के से अंगूर और आहा ये दोनों स्वर नहीं है, ये है अयोवा, है ना? जो कि अम से अंगूर शब्दों के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाए जाते हैं, है ना? और आहा शब्दों के बाद एक विसर्ग के रूप में लगाया जाता है, इनसे कोई शब्द नहीं बनते हैं, विसर्ग के रूप में लगाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। से रखना याद अंगूर, आम से रखना याद अंगूर, रखता है कई रोगों से दूर। आम से रखना याद अंगूर, रखता है कई रोगों से दूर। उसी प्रकार आम से अंक, अंक यानी कि नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? उसी प्रकार होता है आम से अंगुली, जैसे कि हम जो कि हम अंगुली किसको कहते हैं? ये जो हमारे फिंगर्स है ना, ये है उंगलियां, है ना? तो आम से अंगुली भी होता है। अब देखिए बोर्ड की तरफ के आम से अंगूर कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, सबसे आसान है अयोवा आम से अंगूर लिखना। सबसे पहले आप बनाएंगे उसे उल्लू, उसके बाद आप उसे उल्लू को आम अ से अनार बना देंगे, और अ अनार के ऊपर में जब आप एक बिंदु लगाते हैं, जैसे आपकी मामा अपने फोरहेड पे बिंदी लगाती है ना, वैसे ही अ से अनार के ऊपर जब आप एक बिंदी लगा देंगे तो ये बन जाएगा आम से अंगूर या आम से अंगुली या फिर आम से अंक। बच्चों, आपको पता है कभी कभी इसका
साउंड न के जैसे आता है और कभी कभी माँ के जैसे भी आता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे ओ से उल्लू, फिर हम ओ उल्लू को बना देंगे अ से अनार। जब अनार के ऊपर में बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा अम से अंगूर, अम से अंगूर, है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओ से उल्लू, उसे उल्लू को हम बना देंगे अ से अनार, और फिर जब हम ऊपर में एक बिंदी लगाएंगे ये बन जाएगा आम से अंगूर। आपको बिंदी कैसे लगाना है? अंगूर के जैसा छोटा सा सर्कल, है ना। उसके बाद देखिए उसे उल्लू और फिर ऐसे अनार, जब हमने बिंदु लगाया तो वो बन गया आम से अंगूर। इसी प्रकार एक बार और देखिए, जब हमने बनाया अ से अनार और उसके ऊपर में एक बिंदु लगाया तो ये बन गया अम से अंगूर, है ना बच्चों। तो